कौशाम्बी में पुलिस और दो अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाश के पास 27,000 से अधिक नगद और 315 बोर के दो तमंचे के साथ ही 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। दोनों आरोपियों पर लगभग एक दर्जन मामले दर्ज है। क्रॉस फायरिंग में एक अपराधी को गोली लगी है और दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया था, जिसे कामी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये गोंडा के रहने वाले हैं और जब जानकारी की गई तो इन दोनों अपराधियों के विरुद्ध गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, प्रयागराज में एक दर्जन से अधिक लूट, चोरी और अन्य जघन्य अपराधों के मुकदमे पंजीकृत हैं। इन्होंने पूछताछ में भी बताया कि जनपद कौशाम्बी में मंझनपुर और करारी थाना क्षेत्र में 6 तारीख को जो बैंक से पैसे निकाल कर दो लोग जा रहे थे, उनकी डिग्गी से इन्होंने पैसे निकाल लिए थे और आज भी ये इसी उद्देश्य से आए हुए थे कि ये ATM के आसपास रैकी करके और घटना करेंगे। इस संबंध में घायल को अस्पताल ले आया गया है और इनके विरुद्ध नियमानुसार